किसके बारे में पढ़ रहे हो? चैप्टर का नाम है तुम्हारा, देखो, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। अब आप ध्यान से सुनिए, इस जो चैप्टर है इसके अंदर एक टॉपिक है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स को हिंदी में बोलते हैं हम घटक। क्या बोलते हैं? घटक। ध्यान से सुनिए, इसमें लिखा हुआ है फूड आइटम एंड देयर इंग्रेडिएंट। फूड आइटम का मतलब होता है जो हम फूड आइटम का मतलब, जैसे विभिन्न प्रकार के आइटम होते हैं फूड के, जो भोजन होता है, तरह तरह के आइटम होते हैं, आप व्यंजन भी बोलते हैं उनको हिंदी में। क्या बोलते हैं? व्यंजन। जैसे एक आइटम रोटी हो गया, एक आइटम राइस है चावल, एक आइटम एग करी अंडा करी, एक आइटम खीर, एक आइटम रायता, और कोई आइटम होते हैं और पूरी हलवा है? क्या चूरन और सूजी दाल और पुलाव, ये बोल रहा है पुलाव होता है करके, मटर पनीर तो आप फूड आइटम का मतलब समझ गए? फूड आइटम का मतलब समझ गए? फूड आइटम में जैसे यहाँ पर रोटी या चपाती लिखा हुआ है और यहाँ पर दाल लिखा हुआ है, ऐसे ही तुमने कुछ फूड आइटम तुमने बता दिए। क्या क्या बताया आप बताओ, कोई फूड आइटम? दाल, रोटी, दाल रोटी खीर, कोई फूड आइटम आप बताओ? रायता पूरी पालक पनीर, ये सब फूड आइटम है, समझ गए ना? तो अब बहुत सारे फूड आइटम हो सकते हैं, हमारे घरों में बनते हैं, भटके डुबके भी बनते हैं, वो भी एक फूड आइटम है नहीं है? तो अब देखो, फूड आइटम का मतलब आप लोग समझ गए हैं, विभिन्न डिफरेंट टाइप के फूड आइटम आप लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं फूड आइटम के नाम लिख लोगे। अब देखिए, इंग्रेडिएंट का मतलब होता है, इंग्रेडिएंट्स है घटक जिससे वो फूड आइटम बना है। जैसे जो रोटी बना है वो आटा और वाटर, यानी कि जो आटा होता है हमारा उसको और पानी को मिला करके आटा गूंथते हैं, तभी तो रोटी बनती है। तो जो रोटी है उसके इंग्रेडिएंट हो गए आटा और वाटर, ठीक है। उसके बाद है दाल, दाल के इंग्रेडिएंट देखो, दाल किन किन से किन किन चीजों से मिलके बनती है? पल्सेस दालें, जैसे दाल मतलब अरहर की दाल या मलका उड़द वो पल्स होगी, वाटर पानी को मिलाते हैं हम, सॉल्ट नमक मिलाते हैं, ऑयल या घी या तो तेल डालते हैं या घी डालते हैं, स्पाइसेस मसाले, स्पाइस होता है ना, स्पाइसेस मसाले होते हैं विभिन्न प्रकार के, धनिया हो गया, मिर्च हो गया और हल्दी मसाले डालते हैं ना, वो सब स्पाइसेस होगी, उसको मिला के हम स्पाइसेस बोल रहे हैं। तो दाल के ये इंग्रेडिएंट हो, तो इंग्रेडिएंट का मतलब समझे आप? वो जो फूड आइटम है वो किन किन घटकों से मिलकर बना है, किन किन चीजों से मिलकर बना है, वो इंग्रेडिएंट कहलाएंगे उसके। अब यदि मैं यहां पर खीर लिख दूं, क्या लिख दूं? खीर। तो कोई बच्चा इसका इंग्रेडिएंट बता पाएगा खीर के? मिल्क, एक एक करके बोलेंगे, एक तो मिल्क हो गया, शुगर, हाँ यस, चीनी, चावल, राइस, चावल, पानी, वाटर, हाँ कभी घी भी डालते हैं, घी और ऑयल भी करते हैं, घी भी डाल देते हैं, वो इसके इंग्रेडिएंट हो गए खीर। खीर एक फूड आइटम हो गया और उसके इंग्रेडिएंट आप लोगों ने बता दिए। किसी ने अंडा करी खाया एग करी? एक मिनट, एग करी फूड आइटम है, एग करी के इंग्रेडिएंट्स कौन बताएगा? एग करी का किन एग करी के इंग्रेडिएंट्स पता है उनको? क्या ऑयल, मसाले, अंडा, मसाले, ऑनियन, यस ऑनियन, प्याज, नमक,
प्याज, नमक, ऐसे भी टोमेटो भी डालते हैं। यस, टोमेटो भी उसमें आता है। स्पाइस, स्पाइस हो गए मसाले, उससे वो तो एग करी के इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब आप लोग समझ गए होंगे कि फूड आइटम क्या है और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो हम एक काम करेंगे, हम अपने घरों में जो जो हमारे फूड आइटम होते हैं उनका नाम लिखेंगे और उसके बाद उनके इंग्रेडिएंट लिखेंगे। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। सर, हिंदी में लिख लेंगे। अभी